सो गाइस अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जैसे आपको पता है मेरा पहला व्लॉग आने वाला था, मैंने डाला था इंट्रो, वो भी पहले व्लॉग में मिस्ट्री बॉक्स ही में दराज से 11 की सेल से मैंने मिस्ट्री बॉक्स लिया था, उसकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी। देखते हैं क्या है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या अंदर होगा। 120 रुपीज़ की वॉट थी और 5-in-1 था। मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूँगा कि साइड पर लिखा हुआ आ जाएगा कि पूरी SS लिखा हुआ SS आ जाएगा कि पूरी डिटेल उसके अंदर होगी, क्या क्या मैंने किस किस हिसाब में कितने की चीज़ ली, क्या निकला अंदर, सब कुछ मैं साइड पे लिखा हुआ आएगा। जिससे कि आगे देख सकते हैं, ये मैंने दराज कल मंगवाया था 11 के सेल से मिस्ट्री बॉक्स मैंने मंगाया तो टाइम लगा आने में, इससे जैसे थोड़ा 11 के बाद मैं 16 को मैं अपलोड करूँगा वीडियो, बनाने वाली तारीख तो कुछ और है मगर 16 को मैं अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। चलो अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अनबॉक्सिंग करना शुरू कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पैक है, ये मैं हाथ रख देता हूँ, ये देखें ये सील है, यहाँ लगा से सील है। तो देखते हैं क्या पता आईफोन निकल जाए 11 की सेल से मैंने मंगाया, क्या कुछ और भी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं और भी चीज़ें। तो अब अनबॉक्सिंग करना शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है। तो ओहो कामयाब होगा कैसे। तो जैसे ये है, ये क्या चीज़ निकली है, अच्छा ये वो है मोबाइल के नीचे लगता है टांगों का, मोबाइल पकड़ भी सकते हैं और इन फिंगर के अलावा अगर आप ग्लव्स वगैरह पहने तो आप इससे यूज़ कर सकते हैं। ये हमने किया, इसको भी हम यहाँ पर साइड पर रख देते हैं। और ये हैंड फ्री निकला है, हैंड फ्री MH43 यूनिवर्सल ईयरफोन्स ये निकला है। और इसको देखते हैं अंदर है भी या नहीं, ये अंदर से निकला है, अच्छा लग रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। मेरे अंदाजे में ये होगा 100 तक होगा मेरे हिसाब में, मार्केटिंग चार्ज मेरे हिसाब में 100 तक होगा। अब इसको भी साइड पर रखते हैं। और ये निकला है, ये सिम का जेक वो होते हैं कन्वर्टर वगैरह होते हैं और मोबाइल स्मार्टफोन वगैरह के सिम निकालने के लिए जेक निकालने के लिए ये होता है। और बस ये लोग देखें खाली, इतनी जल्दी खाली होगा पता ही नहीं चला। अच्छा तो उसमें 5-in-1 लिखा हुआ था लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें निकली, जिसमें से ये 100 का होगा, ये 10 रुपये तक का मेरे हिसाब में होगा, ये 100 रुपये का, ये 10 रुपये का, ये भी 10-20 रुपये का ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे हिसाब में मेरे पैसे पूरे हो गए। चलो मैं आपको अभी अपना चेहरा दिखाता हूँ और आगे की हम लोग बातें करते हैं और व्लॉग नंबर 2 के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस देखा आपने मेरा व्लॉग, आप मुझे बताना, कमेंट में बताना व्लॉग कैसा लगा। और देख सकते हैं मेरे 11 से मिस्ट्री बॉक्स मेरा कामयाब गया, मेरे पैसे वसूल हो गए। और यहाँ तक के मेरे पैसे वसूल हो गए, मुझे हैंड फ्री भी मिल गया, वो भी मिल गया, लेकिन उसमें से मेरे कुछ भी काम का नहीं, खाली हैंड फ्री मेरे काम का है, बाकी 2 चीज़ें तो मेरे ज़ाया चली गई। तो इस हिसाब में आप दराज को ट्राई करें, कुछ सेलर ऐसे भी होते हैं लिखा हुआ कुछ होता है अंदर निकलता कुछ है। लेकिन इसकी वॉट जो लिखी हुई थी कि मैं 120 का बाय करूँगा 1000 की सामान अंदर निकलेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसे तो मेरे पूरे हो गए लेकिन कुछ निकला नहीं, फ़ायदा नहीं। तो मतलब अल्लाह का ये शुक्र है पैसे पूरे हुए, पैसे मेरे ज़ाया नहीं गए। और ये भी मैं बताता चलूँ, जैसे कि ये हैंड फ्री है, ये हैंड फ्री, ये तो मेरे पैसे कामयाब हो गए। और आपको मैं मज़ीद बताता चलूँ, मेरा अगला व्लॉग बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। अगर आपने इसको रेटिंग करी अच्छा मुझे व्लॉग लगा, अब देखूँ मेरी रेटिंग अच्छी आई जाऊँगा व्लॉग अच्छा लगा तो मैं और बहुत ही जल्द नए नए तरीके से अनबॉक्सिंग करूँगा, आउट ऑफ सिटी जाऊँगा, दूसरी जगहों पर जाऊँगा। और आप मुझे कमेंट से बताना मैं कौन सा व्लॉग अभी स्टार्ट जो नया अपलोड करूं उसका कौन सा होगा। 1 होगा कि मैं अपना बायोडाटा बताऊं, 2 होगा कि मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊं तो रेस्टोरेंट वगैरह में जाके वहां की व्लॉगिंग करूं। और 3 होगा वापस अनबॉक्सिंग की वर्ड जो होगी वो 500 रुपीज़ होगी, जिस हिसाब में आपके कमेंट्स होंगे उसी हिसाब में मैं वो करूँगा। और बायोडाटा मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दूँगा, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरी लगाऊंगा, आप लोग DM वगैरह कर देना वगैरह कर देना, जो जो आप क्वेश्चन पूछोगे, जो पॉजिटिव क्वेश्चन होंगे उसके मैं आंसर दे दूंगा इंशाल्लाह। जिनके आंसर है जवाब नहीं दे सका तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। और जो रेस्टोरेंट हुआ, रेस्टोरेंट में मैं अकेला नहीं जाऊँगा, कुछ फ्रेंड के साथ जाऊँगा, क्योंकि अकेला जाने में इंसान को बोरियत होती है।
और जब हम लोग नया मिस्ट्री बॉक्स लेंगे वो भी, क्योंकि अगर आप जल्द से जल्द कमेंट करना कि 11-11 की सेल, 17 तारीख को 11-11 की सेल ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद चीज़ें नॉर्मल निकलना शुरू हो जाएंगी। तो दराज और 11-11 की सेल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल हो रही है, तो उस पर सामान ज़्यादा अच्छा होता है। अच्छा, और आखिर में जाते जाते मैं ये कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगे कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।